Hello friends, welcome to our YouTube channel Way to Gnan. दोस्तों आप सभी को जैसे पता है कि अभी नाबार्ड का नया नोटिफिकेशन आया है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए और इस नोटिफिकेशन को हम देखेंगे दोस्तों आज अपने इस वीडियो में. चलिए चलते हैं अपने स्लाइड की ओर. देख सकते हैं दोस्तों आप अभी अपने फर्स्ट स्लाइड के अंदर applications are invited from Indian citizens for the post of assistant manager in grade A in RDBS यानी कि रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस के अंदर. तो अभी एक कॉल फॉर्म हो चुका है. जो कैंडिडेट्स है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन के द्वारा. जी हाँ, ऑफलाइन मोड अभी किसी भी एग्ज़ाम के लिए ऑफलाइन मोड नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन के द्वारा ही आपको उस फॉर्म भरना है. और ये ऑनलाइन का फॉर्म आप भर सकते हैं नाबार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू. आप सभी को उसका लिंक हमारे इस यूट्यूब चैनल के एंड में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर. आप वहाँ से उस एग्ज़ाम को डाल सकते हैं दोस्तों. चलिए देखते हैं इसके लिए हम एलिजिबिलिटी क्या क्या है. दोस्तों यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया है कि किसी भी पोस्ट डालने से पहले आप अपना एलिजिबिलिटी एक बार इंश्योर कर लीजिए, क्योंकि जो पोस्ट अभी निकला है इसके अंदर, इसमें बहुत सारे वैकेंसीज दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट में आए हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल के लिए 46 वैकेंसी, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 5, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 5, इकोनॉमिक्स के लिए 9, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के लिए 2, फूड प्रोसेसिंग के लिए 4, फॉरेस्ट्री के लिए 4. सो हर एक विभाग के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो भिन्न भिन्न है. इसलिए हमें डिटेल तरीके से देखना है कि हमें अगर एनिमल हस्बेंड्री है तो हमें डिग्री एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ही चाहिए, अगर जनरल है तो सिर्फ बैचलर डिग्री ही काफ़ी है. तो ये सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन फर्स्ट पॉइंट सिर्फ यही दर्शाता है कि हमें जो अपना एलिजिबिलिटी है वो एक बार इंश्योर करके ही जो पोस्ट के लिए हम एलिजिबल है उसी पोस्ट के लिए डालना है दोस्तों. और जैसे कि मोड ऑफ एप्लीकेशन में पहले ही बता चुका हूँ कि सिर्फ ऑनलाइन द्वारा ही आप इसको डाल सकते हैं थ्रू द बैंक्स ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है www.nabard.organization.org. किसी और नो अदर मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड. ऑनलाइन मोड के द्वारा ऑफलाइन आप अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों. अभी देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट डेट्स है जो कि ऑलरेडी दिया गया है. देखिए दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ ऑनलाइन फीस जो है आप 13 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2018 तक कर सकते हैं दोस्तों. और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए वो है 2 अप्रैल 2018. जी हाँ दोस्तों, 2 अप्रैल तक ही लास्ट डेट है. तो जल्द से जल्द आप भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि डेट अभी अगले महीने सिर्फ 2 तारीख तक ही ये आप कर सकते हैं दोस्तों. इस जो एग्ज़ाम रहेगा जनरल मैनेजर के लिए वो 3 हिस्से में रहेगा. एक तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम रहेगा, एक तो मेन एग्जामिनेशन रहेगा और फाइनल एक इंटरव्यू रहेगा दोस्तों. जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का डेट रहेगा, मतलब जो एट हॉल टिकेट आपको मिल जाएगा, वो 27 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा. आपका फेज़ 1 का जो एग्ज़ामिनेशन है वो 12 मई 2018 को रहेगा, और जो फेज़ 2 ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन रहेगा वो 6 जून तक रहेगा दोस्तों. अगर आप कोई और दूसरे एग्ज़ाम्स भी लिख रहे हैं जून के अंदर, तो इस डेट के हिसाब से आप अपने सारे एग्ज़ाम्स मैनेज कर सकते हैं दोस्तों. सो एक बार इस डेट्स को ज़रूर याद कीजिएगा. ऐसा भी हो सकता है कि डेट्स अगर उन्हें लगा कि आगे या पोस्टपोन या प्रीपोन करना हो तो नाबार्ड के हाथ में है कि वो भी कर सकता है दोस्तों. सो ये रहे इम्पॉर्टेंट डेट्स. आगे चलते हैं दोस्तों. हेल्प फैसिलिटी कुछ नहीं है. अगर आप पेमेंट कुछ नहीं कर पा रहे, अगर आपका कुछ क्वेरी है और आपको कुछ सलाह चाहिए, तो आप ये जो लिंक दिया गया है इस लिंक के द्वारा भी आप अपना ग्रीवियंसेस लॉज कर सकते हैं दोस्तों. इसमें सिर्फ यही पॉइंट दिया गया है. मैंने कि जैसे पहले बताया था कि टोटल वैकेंसीज जो जनरल में हैं वो 46 वैकेंसीज है, और दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट से 10 से कम यानी कि 5, 9, 2 ऐसे टोटल 92 वैकेंसीज उन लोगों ने दिया है. टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 92. और आगे देखते हैं, आगे का चार्ट बताता है हमको रिजर्वेशन. अगर जनरल में कुल
46 पोस्ट है, तो अनरिजर्व जो 23 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 7, शेड्यूल ट्राइब के लिए 3, ऐसे पूरे टेबल में आपको सविस्तार से बताया गया है कि किस किस कास्ट के लिए कितने कितने वैकेंसीज हैं, आप उसको एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। आगे कुछ खास दिया नहीं है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, तो जो जनरल पोस्ट के लिए यानी कि जनरल मैनेजर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो सिर्फ आपको बैचलर डिग्री ही काफ़ी है किसी भी सब्जेक्ट में हो, लेकिन आपको 50% से अधिक नंबर होने चाहिए आपके डिग्री के अंदर, या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है आपके पास विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अगर एक चार्टेड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी विद अ बैचलर डिग्री, तो भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, फुल टाइम MBA डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो भी आप इसे डाल सकते हैं। अगर आसान भाषा में बता सकूँ तो जनरल पोस्ट के लिए अगर आपके पास एक डिग्री है, UGC डिग्री विद बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, तो आप आसानी से इसको इस पोस्ट के लिए डाल सकते हो दोस्तों। सिर्फ डिग्री ही काफ़ी है, जो हमारे अभी देख सकते हैं हम बहुत सारे इंजीनियर विभाग से जो विद्यार्थी होते हैं वो सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, हो चुके हैं क्योंकि बैचलर डिग्री ही काफ़ी है इस पोस्ट के लिए। चलते हैं दूसरी इसके, जो हमने एनिमल हस्बेंड्री में जो पोस्ट देखे थे उसके लिए आपको बैचलर डिग्री इन वेटरनरी साइंस ही रहना चाहिए, किसी अगर आप बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग हो तो नहीं चलेगा। इस पे स्पेसिफिकली लिखा गया है कि अगर आप वेटरनरी साइंस में आपका डिग्री है और 50% मार्क्स मिनिमम आपका है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है, अगर आप एनिमल हस्बेंड्री का पोस्ट डाल रहे हो तो आपको डिग्री जो है वेटरनरी साइंस या फिर एनिमल हस्बेंड्री में ही होना चाहिए। अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट के लिए पोस्ट के लिए डाल रहे हो तो आपका डिग्री जो है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उसके अंदर आप CA होना बहुत ज़रूरी है, CA का जो परीक्षा था उसके अंदर पास रहना बहुत ज़रूरी है। इंस्टीट्यूशन विथ मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया दिया गया है इधर दोस्तों। सो अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट के लिए डाल रहे हो तो CA रहना कंपलसरी है, डिग्री इन CA इज़ कंपलसरी। आप आगे भी देख सकते हैं, अगर इकोनॉमिक्स विभाग के लिए डालना चाहते हो तो आपका एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, बैचलर डिग्री विथ इकोनॉमिक्स। इसी तरीके से आगे भी स्लाइड्स में आप वही पाएंगे, अगर एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग है तो बैचलर डिग्री इन एनवायरनमेंट साइंस चाहिए होगा, अगर फूड प्रोसेसिंग में आप डालना चाहते हो तो बैचलर्स डिग्री इन फूड प्रोसेसिंग दोस्तों। सो इन कुल में कहा जाए तो जो हेडलाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉक लेटर्स में, उसी के विभाग में आपका डिग्री रहा तो ही आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जो ये लास्ट वाला है माइनर इरिगेशन वाला, इसके लिए आपको बैचलर डिग्री होना पड़ेगा जो इन हाइड्रोलॉजी या अप्लाइड हाइड्रोलॉजी और जियोलॉजी और इरिगेशन दिया गया है दोस्तों। एक बार इसको इससे भी आप एक बार देख ले तो ठीक रहेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि किसी इंस्टीट्यूशंस में अगर आप देखें, किसी कोई यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप देखें तो उसमें जो है परसेंटेज के सिवा CGPA दिया जाता है, तो उस CGPA का कन्वर्जन भी इस नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है। अगर आपका 6.75 CGPA है तो एग्रीगेट मार्क्स ये रहेगा 60%, 6.25 ओवरऑल CGPA है तो 55%, तो ये देख के ही आप अपना जो फॉर्म है वो डाल सकते हैं दोस्तों। जो अगर हम एज की बात करें, जो कैंडिडेट है वो अपर लिमिट, जो एज का लोअर लिमिट है वो 21 ईयर उम्र का होना चाहिए और जो अपर लिमिट है वो 30 ईयर का होना चाहिए, और अपर लिमिट में भी बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए जा चुके हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म से उसके हिसाब से जो OBC एप्लीकेंट्स रहेंगे उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन रहेगा और 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा जो SC शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं या फिर एक्स सर्विसमैन, उनके लिए 5 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा दोस्तों।
अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एग्ज़ाम के तीन फेज़ रहेंगे। एक फ़ेज़ वन प्रीलिम्स एग्ज़ाम रहेगा, फ़ेज़ टू मेंस एग्ज़ाम रहेगा। दोस्तों अगर हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करें तो सिर्फ इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और जो टोटल मार्क्स रहेगा उस एग्ज़ामिनेशन का वो रहेगा 200 मार्क्स, और आपको जो टाइम दिया गया है वो सिर्फ 120 मिनट रहेगा दोस्तों। और एक कंपोजिट टाइम है दोस्तों, यानी कि सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, ओवरऑल 120 मिनट दिया जाएगा। उसमें से ही आपको रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं और एक बार रिपीट करता हूँ आपको, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे और उनके मार्क्स 20 मार्क्स रहेंगे टोटल। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल मार्क्स रहेंगे 40। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल मार्क्स रहेंगे 20। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल मार्क्स रहेंगे 20। और एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन रहेंगे और मार्क्स भी रहेंगे 20 दोस्तों। और इससे आप एक बार जानना बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ विथ फोकस टू रूरल इंडिया। जैसे कि आप जानते हैं जो नबार्ड है वो बेसिकली रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट और अपलिफ्टमेंट के लिए ये इंस्टीट्यूशन बना था। इसके अंदर में कई सारे RRB रीजनल रूरल बैंकिंग के बैंक्स भी आते हैं। तो जो रूरल इंडिया के समस्याएं रहते हैं, जो सोशल इश्यूज़ और इकोनॉमिक इश्यूज़ रहते हैं, उसके ऊपर जो टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे और उसका जो टोटल मार्क्स रहेगा वो 40 मार्क्स रहेगा दोस्तों। और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके ऊपर भी 40 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 40 मार्क्स का रहेगा दोस्तों। तो अभी हम इन सबको मिला दें तो टोटल मार्क्स जो रहेगा वो रहेगा 200 दोस्तों। सो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और टोटल मार्क्स रहेंगे 200 मार्क्स, और जो टोटल टाइम आपको दिया जाएगा वो रहेगा 120 मिनट। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने की बात यह है कि आपको कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं दिया गया है, जो टाइमिंग है वो है कंपोजिट टाइमिंग दोस्तों। चलते हैं अपने मेंस एग्ज़ाम के लिए। अभी आप मेंस एग्ज़ाम अगर देखें तो मेंस एग्ज़ामिनेशन भी ऑनलाइन रहेगा, और इसमें जो देखने को मिला है कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन भी रहेंगे। यानी कि आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको कीबोर्ड दिया जाएगा और ऑनलाइन कीबोर्ड दिया जाएगा और उसके थ्रू ही आपको जो है आंसर करना पड़ेगा दोस्तों। इसमें एक पेपर वन जो रहेगा वो जनरल इंग्लिश रहेगा और एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, और आपको ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो जनरल इंग्लिश रहेगा वो टोटल 100 मार्क्स का रहेगा दोस्तों। और उसका जो ड्यूरेशन है, समय जो दिया जाएगा आपको, वो है 1.5 घंटे का दोस्तों। ये याद रखिए, 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। अगर आप इंग्लिश में बात करें तो इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको रहेगा एसे राइटिंग, एक पैसेज दिया जाएगा और उसमें से शायद आपको आंसर्स लिखने पड़े, रिपोर्ट राइटिंग रहेगा, पैराग्राफ राइटिंग रहेगा, लेटर राइटिंग रहेगा, और जो एसे के लिए जो मार्क्स अलॉटेड है वो 40 मार्क्स, और प्रिसिशन के लिए 20 मार्क्स, क्वेश्चंस ऑन द प्रिसिस पैरा वो रहेगा 20 मार्क्स, रिपोर्ट और लेटर राइटिंग के लिए रहेगा 20 मार्क्स दोस्तों। और मेंस में है जो पेपर वन तो इंग्लिश का हो गया दोस्तों, जो पेपर टू रहेगा ये सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। याद रखिए, पेपर टू जो रहेगा मेंस एग्ज़ाम के लिए वो सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला रहेगा। फॉर पोस्ट्स एज एट वन, टेबल वन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और पेपर ऑन रिलेटेड डिसिप्लिनस। ये जो फेज टू रहेगा दोस्तों, इधर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा ये जो MCQs रहेंगे वो ज़्यादातर जो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, उसके ऊपर ही फ्रेम किए जाएंगे और उसी को आपको अटेम्प्ट करना रहेगा दोस्तों। और इसका जो समय रहेगा वो अगेन 1.5 घंटा रहेगा, और टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो है 100 मार्क्स। अगर आप फेज़ वन और फेज़ टू क्लियर करते हैं तो फेज़ थ्री फाइनल एक इंटरव्यू रहेगा, और इंटरव्यू के लिए जो मार्क्स रहेगा वो रहेगा 25 मार्क्स दोस्तों, रहेगा 25 मार्क्स। और इनके आधार पे बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये रहेगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्ड 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड, यानी कि 1/4 मार्क्स जो है, आप गलत अटैम्प्ट करते हो तो 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा दोस्तों।
जो कट ऑफ रहेगा फेज़ वन एंड फेज़ टू मे बी अप्लाइड इन टू स्टेजेस ऑन स्कोरिंग ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट ऑन टोटल स्कोर, यानी कि सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा और ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगा दोस्तों, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। आगे अगर हम देखें यहाँ पे डिटेल सिलेबस दिया जा चुका है इंग्लिश के लिए, मैंने जैसे पहले ही बताया था एसे रहेगा, लेटर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन वो सभी दिया गया है, एक बार यहाँ से आप देख लीजिएगा जो जो भी है सिलेबस के लिए। और जो पेपर टू रहेगा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें आप देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी, स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल फीचर्स, इन्फ्लेशन, पॉपुलेशन ट्रेंड, पॉपुलेशन ग्रोथ, एजेंसीज, इंडस्ट्रीज, ऐसा बहुत सारे टॉपिक दिए जा चुके हैं, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, जेंडर इश्यूज़, जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये सब जो है बहुत सारे यहाँ पे सिलेबस आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। इसी के ऊपर आपको क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे और इसी के ऊपर आपको अटेम्प्ट करना रहेगा दोस्तों। ये बहुत ही वास्ट सिलेबस है, तो अभी से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें तो बेहतर रहेगा। और अपना एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अंदर सॉइल एंड वाटर कन्वर्जेशन, ये वाटर रिसोर्स, फार्म एंड एग्री, इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों। ये आप एक बार देख लीजिएगा जो जो भी टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर। और लास्ट में तो सभी प्रीफॉर्मा दिया गया है फॉर अगर आप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो दोस्तों। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो उनका भी एक लिस्ट दिया जा चुका है। अगर आप कर्नाटका से लिखते हो तो बैंगलोर, बेलगाम, बीदर, धारवाड़, हासन, गुलबर्गा, ये सभी आप देख सकते हो। अगर आप कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो उस क्षेत्र में आपका जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है या नहीं, आप इस चार्ट से देख सकते हैं दोस्तों एक बार। और जो फेज़ टू रहेगा उनका भी सेंटर दिया जा चुका है, ये ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ कैपिटल सिटीज़ में हो रहा है। अगर आप कर्नाटका से हो तो बैंगलोर, अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो लखनऊ, ऐसे जो कैपिटल सिटीज़ है उसी कैपिटल सिटीज़ के अंदर आपका मेन्स एग्जामिनेशन रहेगा दोस्तों। जो एप्लीकेशन फ़ीस है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए नो फीस, बट उनको इंटीमेशन चार्जेस जो है वो 150 रुपये का इंटीमेशन चार्जेस भरना पड़ेगा दोस्तों। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 150 रुपये का इंटीमेशन चार्ज लिया जा चुका है, लेकिन एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो नील है दोस्तों। और इनको छोड़ के जो दूसरे कैंडिडेट्स रहेंगे उनको एप्लीकेशन फ़ीस 650 रहेगा और इंटीमेशन चार्ज 150 रुपये, यानी टोटल कुल टोटल आपको 800 रुपये इसमें अंदर भरने पड़ेंगे दोस्तों। अगर आप पहले से ही स्टाफ है और आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 0 रुपीज़, यानी कि एप्लीकेशन फ़ी भी नील है और इंटीमेशन चार्जेस भी नील है दोस्तों। दोस्तों से तो आप ये पेमेंट का जो है ऑनलाइन मोड सभी दिया गया है इधर। और इंटीमेशन चार्जेस आप देख सकते हैं, अभी रेलवे के अंदर एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें SC ST को रिफ़ंड और जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनको भी रिफ़ंड अमाउंट का भरोसा दिया गया था, लेकिन यहाँ पे जो इंटीमेशन चार्ज आप भर रहे हैं वो नॉन रिफंडेबल है दोस्तों, ये बात गौर करने की ज़रूरत है आपको। आगे चलते हैं, यहाँ पे सिर्फ गाइडलाइंस वगैरह दिया जा चुका है जैसे आप इस एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म भर सको। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो नबार्ड ग्रुप ए इंजीनियर्स के लिए। अगर आपको हमारा ये जो स्लाइड और जो वीडियो है पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।